आगरा जिले में नियुक्ति के बाद सहायक शिक्षक वेरिफिकेशन के लिए पिछले कई महीनों से परेशान हैं। सैकड़ों सहायक अध्यापक वेरिफिकेशन कराने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का रोजाना चक्कर लगा रहे। गुस्साए अध्यापकों ने मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत की है। और हमारी शादी क्योंकि सर हमें रोज इतना ट्रैवल करके जाना है, हमारी रोज के खर्चे के लिए सर प्रॉब्लम होती है। 55 किलोमीटर जाना आना, 110 किलोमीटर सर बहुत प्रॉब्लम वाला है। तो ये चीज़ है कि हमारी वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी हो और हमारा सत्यापन हो जाए और शादी। हमने CDO साहब से आज अपनी समस्याओं को अवगत कराया। उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारी समस्याओं को सुना और उन्होंने ये निर्देश दिया है कि अब BSA का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक नवनियुक्त शिक्षकों का सत्यापन नहीं हो जाएगा, और उनको वेतन तभी मिलेगा जब इन शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा। पुलिस जांच पड़ताल की, उसमें पाया कि BSA ऑफिसर्स में लापरवाही बरती गई है और BSA आपके संज्ञान में भी था, फिर भी इनके द्वारा इसमें कोई समय कार्रवाई नहीं की। इससे पूर्व भी विभिन्न मामलों में BSA के लगातार हमें शिकायतें मिलती हैं कि ना पब्लिक के फोन उठाते हैं और जो भी कार्य वहाँ पे होते हैं तो बहुत विलंब से वहाँ पे होते हैं। तो मैंने कई बार पूर्व में मौके रूप से चेतावनी उनको दी है कि अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लेके आए और ना अपनी योजनाओं की जानकारी रखते हैं, ना किसी चीज़ के बारे में विषय में कुछ प्रकार से हमारी मीटिंग्स में बता पाते हैं। तो इसलिए मैंने उनका वेतन रोकने की कार्रवाई की है और तब तक उनका वेतन नहीं निकलेगा तब तक कि वो जो सत्यापन का कार्य है बच्चों का कंप्लीट ना करते हैं। कंप्लीट करके एक प्रमाण पत्र हमको देंगे कि उनके द्वारा सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, और जब एक बार मैं प्रॉस वेरीफाई करके सेटिस्फाई हो जाऊंगा उसके बाद उनका वेतन निकलेगा।